संबल में भाभी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर देवर की हत्या कर दी। अवैध संबंधों के खुलासे में देवर को मौत की नींद सुलाने वाली कलयुगी भाभी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। मामला बनियाठेड़ थाना के कस्बा जनेटा का है, जहां 15 दिसंबर को गुड्डू हाफिज उर्फ मुमतियाज के 22 साल के पुत्र मुस्तफा की सरसों के खेत में लाश मिली थी। शव पर घसीटे जाने के निशान थे। युवक के पिता ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। एसपी चक्रेश मिश्रा ने आज हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके अनुसार मृतक की भाभी मुस्कान के साथ सैफ अली नाम के शख्स के नाजायज संबंध थे। अवैध संबंध बनाते दोनों को मुस्तफा ने देख लिया था। पोल खुलने की वजह से घटना वाली रात को मुस्कान ने अपने प्रेमी को घर में बुला लिया और दोनों ने दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर शव को घसीटते हुए निकट ही खेत में डाल दिया। पुलिस ने हत्यारोपी भाभी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में उपयुक्त मोबाइल दुपट्टा बरामद कर लिया है। अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम मुस्तफा है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसमें पुलिस और एसओजी के द्वारा जांच पड़ताल की गई। इसमें आज दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की भाभी जिसका नाम मुस्कान है, वह उस महिला का जिसके साथ अवैध संबंध था ऐसा एक सैफ अली, इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके द्वारा घटना में यह स्वीकार किया गया कि ये दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। मृतक को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी और उसके द्वारा इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके कारण उसी जगह पर इन्होंने महिला के दुपट्टे से गले में फांसी लगाते हुए उस व्यक्ति की हत्या की और उसके बाद उसके शव को घर से निकालकर घर से कुछ दूर पर झाड़ियों के पास में फेंक दिया। इसमें जो प्रयोग में इनका मोबाइल लाया गया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। वह अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।